कैसे हो आप। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेफ्ट ओवर राइस से फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी। चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। दोस्तों सिंपल से बोरिंग से प्लेन वाइट राइस को आज मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। और बहुत सारी वेजेस मेरी हैं, मैं आउट ऑफ स्टॉक हूँ। और जो है क्या बोलते हैं, बेटे ने बोल दिया कि मैं दाल और राइस नहीं खाऊंगा, तो इसलिए मेरे पास जो भी था इस वक्त, तो वो थोड़ा सा पनीर है, हाफ कैप्सिकम है और टमाटो है एक छोटा सा, और दो अनियन है। और इसके अलावा कोई वेजेस मेरे पास नहीं है। आपके पास अगर हो तो आप आपकी चॉइस के हिसाब से डालिएगा। और वाइट राइस है, थोड़ा सा सोया सॉस है और डेली वाले हल्दी मिर्ची मसाले हैं। और ये क्विक और इजी रेसिपी है, ओनली 5 मिनट में रेडी हो जाएगा ये राइस। तो चलिए बनाते हैं। मैंने पैन में डाल लिया है ऑयल, और मोस्टली लोग फ्राइड राइस जब इस तरीके से बनाते हैं तो इसमें जीरा नहीं डालते, लेकिन मैं डालूंगी क्योंकि मुझे जीरा बहुत अच्छा लगता है फ्राइड राइस में। तो मैंने जीरा डाल लिया है 1 चम्मच के करीब, और जीरे को होने देते हैं क्रैकल। तो यहाँ पे जीरा हमारा होने लगा है क्रैकल, और ये जो अनियन है अब ये डाल देंगे इसमें, और इनको भी साथ साथ फ्राई कर लेंगे हल्का सा। तो यहाँ पे हमने फ्राई जो हमारे प्याज है ये हो गए हैं हल्के हल्के फ्राई, पिंक पिंक कलर जैसा होना चाहिए वो आ गया। और अब ये जो कैप्सिकम है ये भी डाल लेंगे, और इसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे, और साथ में टमाटो भी। और इस टाइम पर हम हाई हीट पर ही फ्राई करेंगे। और अब ये जो पनीर है ये भी डाल देंगे, और इसको भी साथ में फ्राई कर लेंगे। हमें सब्जियों को गलाना नहीं है, बस इनका क्रंच भी बरकरार रहे और हल्की सी पक भी जाए, बस इतना ही पकाना है। तो अब हमारी वेजेस जो गई अच्छे से फ्राई, और इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस लगभग 2 चम्मच के करीब। और सोया सॉस के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ ये एक मैगी मसाला, जो इस राइस के टेस्ट को और बढ़ा देगा। और अब टाइम है इसमें हमारा ये जो राइस है ये ऐड करने का, उसके बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने राइस कर लिए मिक्स, और अब मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच भर के सॉल्ट, क्योंकि मैगी मसाला में भी थोड़ा सा नमक होता ही है। और थोड़ी सी डाल रही हूँ यहाँ पर रेड चिली, बस इसके अलावा और कोई मसाला मैं नहीं ऐड करूँगी। और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, और उसके बाद लगभग 1 मिनट तक और पकाएंगे, और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए दोस्तों 1.5 मिनट और कुक करने के बाद हमारे राइस एकदम है रेडी, और फटाफट से इनको करते हैं सर्व। लीजिए दोस्तों मैंने राइस को कर लिया है सर्व, और इनके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत होती ही नहीं है। और वैसे आपकी चॉइस है, आप कर्ड के साथ खाएँ, रायते के साथ खाएँ, और देखने से ही आ रहा होगा आपके भी मुँह में पानी। तो चलिए अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।